हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास प्लस। आज इस वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी के साथ और आप अपना खुद का एक ईमेल कोलैबोरेशन हो, क्रिएटर को लिखना हो, किसी स्पॉन्सर ब्रांड को आपको रिप्लाई करना हो, किस तरीके से आप रिप्लाई करेंगे एआई की मदद से, वो सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली आपके कॉन्टेंट में, आपके क्रिएशन में और आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा इन सब टूल्स की वजह से। सीधा मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। जैसे हम चैट जीपीटी पे आए, चैट जीपीटी पे फॉर एग्जांपल आप एक पर्सनल फाइनेंस क्रिएटर हैं और आप कंटेंट बनाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर, राइट? तो आपने लिखा लाइक आई हैव अ यूट्यूब चैनल, नेम ऑफ वी मेक क्रिएटर्स, राइट कॉन्टेंट ऑन म्यूचुअल फंड, एंटर मार दिया आपने। आप देखेंगे कि उसने एक अपने ऑर्डर वाइज चैट जीपीटी ने आपको क्या दे दिया, आपको एक कंटेंट बना के दे दिया पूरा। आप साफ साफ यहाँ पे देख पाएंगे, सबसे पहले लिखा कि दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट कंटेंट ऑन यूट्यूब चैनल क्रिएशन। उसने एक कंटेंट आपको दिया कि भैया एजुकेशनल कंटेंट बनाइए, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बताइए प्रॉपर लोगों को, आपको लाइक मार्केट का एनालिसिस बताइए, केस स्टडी बताइए, रिस्क मैनेजमेंट सिखाइए, है ना, कंपैरिजन करिए म्यूचुअल फंड्स में। तो ये सारी चीज़ें उसने दे दी। बट एक ऐसा टूल है AIPRM उसका नाम है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट ला सकते हो। तो चलिए जी उसी पे चलते हैं। मैंने साफ लिख दिया AIPRM क्रोम एक्सटेंशन और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी इतना पॉपुलर है तो इसके नाम पे बहुत सारे नए नए आ गए हैं जो एड्स चला के कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है, नहीं क्लिक करना है, स्पॉन्सर्ड लिखा है, नहीं क्लिक करना है। नीचे देखिए AIPRM फॉर चैट जीपीटी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, वैसे तो पहले से था, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसे अनइंस्टॉल कर रखा था, ऐड टू क्रोम कर देता हूँ, एड एक्सटेंशन, और आप साफ देखेंगे कि मेरा हुलिया बदल गया मेरे चैट जीपीटी का। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजी के प्रॉम्प्ट आ गए। जैसे सबसे पहला एक फायदेमंद मेरे को हमेशा लगता है वो है यूट्यूब स्क्रिप्ट, लाइक यूट्यूब स्क्रिप्ट क्रिएटर्स। तो जब भी आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये चैट जीपीटी पहले से ही इंट्यूशन चला गया कि आपको क्या करना है, आपको कॉन्टेंट बनाना है यूट्यूब रिलेटेड। फिर से वही लिख रहा हूँ, आई हैव अ यूट्यूब चैनल, नेम ऑफ वी मेक क्रिएटर्स। अब आप देखेंगे कि इसने थोड़ा अलग टाइप से आपके कंटेंट को डिज़ाइन कर दिया है। सबसे पहले इसने इंट्रोडक्शन दिया, राइट? उसके बाद उसने साफ बोला कि जैसे आप एक इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं, हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लास प्लस, वैसे इसने शुरू करा कि हाय देयर एंड अ फेलो क्रिएटर्स, वेलकम टू द वी मेक क्रिएटर्स, द चैनल दैट्स ऑल अबाउट अनलॉकिंग योर क्रिएटिव पोटेंशियल एंड बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, जो आपको बोलना है अदरवाइज ये आपको सजेस्ट कर दे रहा है। उसके बाद इसने बोला कि भैया सबसे पहले सीन वन में, उसके बाद आपको इसने सीन टू में बताया कि आपको बहुत सारे ग्राफ चार्ट शोकेस करने हैं, सीन थ्री बनाना है कि भाई जो एक्सपर्ट है वो इनसाइट्स आपको देनी है ना, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बताना है, फिर गेटिंग स्टार्टेड किस तरीके से स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें इसने डिटेल में दे दी आपको प्रॉपर वे में कि आपको एक वीडियो कैसे शूट करना है। आपके पास म्यूचुअल फंड का पहले से कॉन्टेंट है, इसे आपने यूज़ किया। इसका इस्तेमाल मैं एक चीज़ और में करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपने मिड जर्नी का नाम सुना होगा कि मिड जर्नी पे आप जाके एआई रिलेटेड इमेजेस बना सकते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे मैंने इमेजेस बनाया है बहुत सारी। अब आप देखेंगे कि मुझे बनाना है एक, जैसे मैं क्रिएटर हूँ तो मुझे यूट्यूबर की इमेज बनानी है। अब मैं यहाँ पे जाके लिख सकता हूँ प्रॉम्प्ट इसका कि भाई स्लैश इमेजिन प्रॉम्प्ट, फिर उसके बाद लिखना है कि भाई इंडियन यूट्यूबर। अब मुझे और समझ नहीं आ रहा कि इंडियन यूट्यूबर में और किस किस तरीके चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नहीं जाके, मैं चैट जीपीटी पे जाऊँगा और जीपीटी पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा जी, ठीक है? अब ये देखिए मिड जर्नी प्रॉम्प्ट, मतलब अब जो ये मेरे पास कॉन्टेंट आएगा वो मिड जर्नी प्रॉम्प्ट रिलेटेड आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए इंडियन यूट्यूबर, है ना, तो लिखिए मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ इंडियन यूट्यूबर। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट कर देगा, मैं आपको दिखाता हूँ, क्रिएटेड बाई AIPRM। अब आप साफ देखेंगे इसने मुझे अलग अलग टाइप की चीज़ें दे दी, प्रॉम्प्ट वन, चार प्रॉम्प्ट दिए। पहला प्रॉम्प्ट दिया स्लैश इमेजिन प्रॉम्प्ट, ये प्रॉपर बना के दे रहा है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। एन इंडियन यूट्यूबर सिटेड एट, है ना, क्लटेड डेस्क, सारी चीज़ें लिखा दी, बाय अ कलरफुल LED लाइट्स, रूफ कल्चर मेमोरेबल, रिकॉर्डिंग अ वीडियो, सब कुछ बता दिया कि एक बंदा बैठा है जिसके आगे पीछे एक LED लाइट्स हैं, राइट, वहाँ पे एक रूफ टॉप है, मेमोरेबल है, रिकॉर्डिंग कर रहा है वो वीडियो अपनी टॉपिक पे, है ना, कुछ फेस दिख रहा है उसका, एल्यूमिनेटेड हो रहा है, सारी चीज़ें, DSLR कैमरा सामने रखा हुआ है, 50mm प्राइम लेंस रखे हुए हैं यहाँ पे, उसने -4.5 उसका साइज भी बना दिया कि आपको इस साइज में मिल जाएगा। अगला प्रॉम्प्ट है उसका साइज दे दिया उसने 16:9 में दे दिया, सारी चीज़ें इसने दे दी अलग अलग डिज़ाइन में कि एक यूट्यूबर है वो थोड़ा सा होम स्टूडियो रिलेटेड वीडियो बना रहा है उस टाइप का।
तो आपको जिस टाइप का भी प्रॉम्प्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल सर मुझे ये वाला प्रॉम्प्ट चाहिए, तो मैं इमेजिन प्रॉम्प्ट क्यों लिखूं, इतना तो हमें अपना कर ही सकते हैं। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, ये देखो सी कॉपी मारा। अब मैं गया दोबारा से कहाँ पे, मिड जर्नी पे, और मैंने एआई प्रॉम्प्ट लिखा ही हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मार दूंगा एंटर। अब देखिए मेरे पास कितना बढ़िया एक पिक्चर आ जाएगा इंडियन यूट्यूबर रिलेटेड। अब आप साफ देख पाएंगे कि मेरे पास एक ऐसा कुछ लाइक यू नो ट्रेडिशनल पेंटिंग टाइप में एक यूट्यूबर आ गया जो कहीं वीडियो बना रहा है, व्लॉग कर रहा है अपने फ़ोन से, अलग अलग डिज़ाइन पे मेरे को चीज़ आ गई। सर मुझे ये मज़ा नहीं आया, तो मज़ा नहीं आया तो चलिए दूसरा प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, ये वाला प्रॉम्प्ट लेते हैं और इसको देखते हैं कि भाई इस टाइप का इंडियन, मतलब आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कस्टमाइज़ करके इससे पहले वाला यूट्यूबर बना दीजिए, पहले इसने बहुत सारे अलग अलग दे दिए, फिर मैंने ये वाली पिक्चर बनाई कि एक यूट्यूबर है अपना बंदा डेस्क पे अपना कंटेंट का रिसर्च कर रहा है। वैसे आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, मैंने स्लैश इमेजिन कमांड वी इंटर। अब आप देखेंगे कि मेरे पास एक पिक्चर आ गया, एक यूट्यूबर है वो अपना कैमरे रिलेटेड कुछ काम कर रहा है। तो सिंपली है कि आपको ये AI PRM जो है वो अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट दे देता है रिलेटेड टू कस्टमाइज ऑफ वेबसाइट, जहाँ पे आपको इसको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक और मैं आपको सबसे बढ़िया टूल्स बताने जा रहा हूँ, वो है ChatGPT राइटर। देखिए जब भी आपको किसी को ईमेल लिखना है तो ऑब्वियसली बात है आप कंपोज में जाएंगे और आप उस पर्सन को सब्जेक्ट लिखेंगे, भाई कोलैबोरेशंस है ना, या फिर फाइनेंस रिलेटेड कोलैबोरेशंस, फिर आप एक बढ़िया सा मेल लिखेंगे। अगर आपकी इंग्लिश मेरी जैसी है, उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा जो है प्रॉम्प्ट कि भैया एक मुझे कोई मेल लिख के बढ़िया सा दे दे। और आप सोचो कि विद इन अ 5 मिनट्स आपको, 5 मिनट्स भी नहीं 2 मिनट्स आपको उस एक अच्छे पर्सन से भी ज़्यादा अच्छा एक मेल राइट करके मिल जाए, तो इससे बेटर क्या है। वो AI कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा मेल है, यहाँ पे आप देखिए कोई भी आइकन नहीं है पहले से, राइट। अब मैं दोबारा से जाऊँगा कहाँ पे, उसी पे जो मेरे पास ये ChatGPT राइटर है। अब मैं इसको क्या कर दूँगा, क्लिक कर दूँगा डाउनलोड फ्री एक्सटेंशन पे, क्लिक कर लूँगा ऐड टू एक्सटेंशन कर दूँगा। अब आप देखेंगे कि मेरे मेल के नीचे ये इसका एक एक्सटेंशन का आइकन आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको एक मेल लिखना है कोलैबोरेशंस विद यूट्यूबर, जिसमें आप उससे कोलैबोरेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कोलैबोरेशन विद वी मेक क्रिएटर्स। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल भी मिल जाएंगे कि राइट अ रिप्लाई ईमेल अबाउट सैलरी नेगोशिएशंस। कई बार आपको HR से मेल आता है तो आपको सैलरी नेगोशिएशन में आपको मेल रिप्लाई करना होता है, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या लिख सकते हैं। अब कुछ भी, मतलब ये आपको ऑलरेडी पहले से भी प्रॉम्प्ट में भी पहले से आपको हिंट्स दे रहा है। जैसे अब यहाँ पे आ गया ईमेल कॉन्टेक्स्ट, तो मैं सिंपल जाऊँगा मुझे किसी यूट्यूबर को मेल लिखना है, फॉर एग्जांपल XYZ को यूट्यूबर है उसको मेल लिखना है, तो राइट अ ईमेल। अब आप जनरेट ईमेल पे क्लिक कर देंगे और देखिए ये ईमेल आपका हो गया जनरेट, और जैसे ही जनरेट होगा यहाँ पे इंसर्ट जनरेट रिस्पॉन्स आप इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए सब कुछ आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, तो सब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी करके आप क्या कर सकते हैं Ctrl+X सब्जेक्ट वाले कॉलम में जाके पेस्ट कर सकते हैं। फिर डियर जिसको भी आप मेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मेल कर रहे हैं वीमे क्रिएटर्स को, तो आप वीमे क्रिएटर्स यहाँ पे लिख देंगे। सारे कॉन्टेक्स्ट ये पूरे पहले से ही लिख के आपको दिया हुआ है कि हम कितना एक्साइटेड है आपके साथ काम करने के लिए, हमारे चैनल का कॉन्टेंट ये है ना, मैं आपके साथ कोलैबोरेशंस करना चाहता हूँ, इससे हमारे बेनिफिट्स ये होंगे, सब कुछ सामने लिखा हुआ है। जहाँ पे ब्रैकेट है वहाँ पे अपनी नेम डिटेलिंग चेंज करेंगे और बस सेंड कर देंगे। तो ऑलमोस्ट विद इन अ 3 मिनट्स थोड़ा सोचना है कि मुझे सामने वाले से क्या पूछना है और वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बस जाते जाते एक टिप्स दूंगा, फॉर एग्जांपल कई बार आपको लगता है कि मैं वो भी चीज़ नहीं लिख सकता, तो आप ट्रांसलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल का जो ट्रांसलेट है उसमें जाएंगे और आपको लिखना है किसी टेक्निकल गुरुजी को ईमेल, तो आप क्या सोचेंगे कि मुझे एक टेक्निकल गुरुजी को ईमेल लिखना है उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। आप सिंपल है, आप यहाँ पे हिंदी वाला टेक्स्ट चुन लीजिए, आप हिंदी में जाएंगे और लिखेंगे कि मुझे है ना कोलैबोरेशन करना है टेक्निकल गुरुजी के साथ, उसके लिए एक कोलैबोरेशन ईमेल लिखिए। आप देखिए साफ यहाँ पे इंग्लिश में आ गया कि आई वांट टू डू कोलैबोरेशंस विद टेक्निकल गुरुजी, राइट अ कोलैबोरेशन ईमेल फॉर दैट। कई बार थोड़ी बहुत इंग्लिश की ऊपर नीचे हो जाए वो समझ लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। तो मैं सीधा यहाँ से कॉपी करूँगा और चलिए जी मैं उसी चैट पे आता हूँ दोबारा से ईमेल पे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए वही डॉट्स बार है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं देखिए यहाँ पे Ctrl+V बस वो कोलैबोरेशन को आप स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, हो गया हर दोनों जगह चेंज कर दीजिए, बस सिंपल कुछ चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेंगी एंड आप इसे जनरेट कर दीजिए। जैसे आप जनरेट करेंगे देखिए आपके पास एक ईमेल बढ़िया सा लिखा हुआ आ गया, इंसर्ट कर दीजिए और बहुत बढ़िया ईमेल आपके पास है। इतना बढ़िया सब्जेक्ट है एक्साइटेड कोलैबोरेशन विद टेक्निकल गुरुजी, राइट है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट में भी आ गया, सब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए, सब्जेक्ट ऊपर से हटा दीजिए डियर टेक्निकल गुरुजी या लाइक डियर टेक्निकल गुरुजी टीम
है ना, जिसको भी बहुत अच्छा ये ईमेल प्रॉम्प्ट करके दे देता है, कुछ भी आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो कभी ऐसा डाउट हो ट्रांसलेशन में जाके जो आप हिंदी में सोच रहे हैं वो लिख लीजिए, इंग्लिश में आपके सामने आ जाएगा। तो इतना बढ़िया ये जो AI टूल्स हैं जिसका आप इस्तेमाल करके आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हो, अपनी जो कमजोरी है उसको ठीक कर सकते हो और आप एक अपना समय बचा सकते हो इसमें। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।